हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं रासल खेमा जू। ये यहाँ पे रासल खेमा वन ऑफ द एमिरेट्स है यूएई का, और अभी हम लोग जू की तरफ को जा रहे हैं और देखते हैं जू में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। और देख रहे हो क्लाइमेट देखो, और वो जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं वो है हजर माउंटेन्स, बहुत बढ़िया। और रासल खेमा का सबसे जो इसका जो पीक है बहुत हाई बोला जाता है यूएई का, तो देखते हैं हजर माउंटेन्स जाके देखेंगे। इसके बाद फर्स्ट हम लोग रासल खेमा जू में जाके चेकआउट करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आज आए हैं रासल खेमा जू में, और आप ये इधर देख सकते हैं रासल खेमा वाइल्ड लाइफ पार्क है। और यहाँ पे ये वन ऑफ द एमिरेट्स है यूएई का, और आज क्लाइमेट और टेम्परेचर अच्छा है तो हमने सोचा आज जू को एक्सप्लोर करें। तो चलिए चलते हैं जू में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स है और कौन कौन है, क्या क्या इन्होंने रखा है, एक्सप्लोर करते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे काफी सारे ग्रीनरी इन्होंने रखा हुआ है और पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, फ्री ऑफ पार्किंग है, पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और स्पेशली वीकेंड्स में आते हैं तो थोड़ा सा रश रह सकता है, बट जनरली यहाँ पे आपको पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। देखते हैं यहाँ का टिकट प्राइस क्या है और उसके हिसाब से हम लोग चेकआउट करते हैं इस जगह को। अभी हम लोग टिकट काउंटर में आ गए, तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं इनका प्राइस क्या है। दो टिकट लिया, टिकट का प्राइस है 40 AED का, 40 dirhams का है एक टिकट। एंड देखते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या क्या है। आज ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे तो अच्छा है। आपको एक गेस्ट दिखाता हूँ, एक गेस्ट से मिलाता हूँ एक्चुअली, आप देखिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारा गेस्ट। तो ये है हमारा गेस्ट, आइए आइए आइए। और ये देखो, ये है चिंपैंजी, चिंपैंजी है ना, ये इनके टीचर है और ये चिंपैंजी है और मैं इधर खड़ा है, मुझे डर लग रहा है थोड़ा बट देखिए ऐसे। ओके, मैंने पकड़ा हुआ है, बहुत प्यारा है देखो। हम हाय करो, हाय हाय। यो किस कर रहा है ये? हाँ उनसे हाय, उनसे हाय। हेलो हेलो, मैं इसके से दूर में रह सकता हूँ। आज वाले मैं इसके टीचर हूँ, मैं इसके से उसे बहुत दूर करूँगा। अच्छा ना करो, ये देखो नाम क्या है आपका? हेलो 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 हेलो। बहुत भारी है यार, ऐसे पकड़ने में बहुत भारी है, बहुत भारी है, थोड़ा अंदर से आइए। और इसके अलावा क्या क्या करते हैं आप? पकड़ते हैं, इधर बैठेगा आपका सर, इधर बैठेगा, आ जाओ इधर बैठा, इधर बैठा। इनका नाम है हलूम, हलूम हलूम, ये इनका बेट है एक्चुअली। आप बैठो, मैं बोल रहा हूं आप बैठो। अच्छा, मेरे को बोल रहा है ये, मेरे को बोल रहा है बैठने को, तो मैं बैठ जाता हूँ। बैठ दो, बैठो नहीं आता, एक मिनट। तो सज्जन भाई, एक्चुअली ये हमारे जो गेस्ट हैं, जरूर रास्ते में मैं आएंगे तो इसको मिस नहीं करना, जरूर आप इससे मिलना। और तो ये ओपन है, ओपन है, ओपन है, फ्रेंड है सज्जन सर, पिंच में रहना। तो थोड़ा बाहर छोड़िए, बाहर छोड़ो,
ये आपको अगर आप इनको बोलेंगे आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे, देखो खुद से दरवाजा खोल रहा है, खुद से दरवाजा खोलेगा, इसको पता है कैसे खोलना है लॉक, और ये खुद से खोलेगा दरवाजा, और ये देखो ये मुझे बाहर छोड़ने के लिए जा रहा है। बहुत प्यारा ये है, ये देखो मुझे बाहर पकड़ के मुझे बाहर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो कितना प्यार है इनको, तो इस हिसाब से टीचिंग किया है। ये इनका शू है एक्चुअली, वो शू देखो पहनता है, शू भी पहनता है ये, वो आपको दिखाएगा शू पहन के। ये देखो बैठ के शू पहन रहा है, अंदर अंदर पूरा ट्रेन किया हुआ है इनको, अंदर अंदर ये देखो बैठ के शू पहनेगा, आपको दिखाएगा। कभी कभार मुझे लगता है कि असली है या फिर इसके पीछे कोई सही है, बिल्कुल जो इंसान करता है वैसी बिल्कुल उसके जैसे। देखो कैसे शू पहन रहा है, इसको शू पहनना भी आता है, जीन्स पहना हुआ है इन्होंने, शॉर्ट्स पहना हुआ है, मतलब लाइट तो है जैसे 0.5 और 1 लड़ते हैं। तो हमारे गेस्ट को हम लोग बाय करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा आपसे हैं, बहुत क्यूट हो आप हलूम मिस्टर हलूम, थैंक यू सो मच। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक अलग सा 50 दिरहम्स का ही वाउचर लेना पड़ेगा, जिससे आप आके मिस्टर हलूम से मिलने के लिए, जो चिंपैंज़ी है, तो इसके लिए 50 दिरहम्स का टिकट लगता है। चलो आगे देखते हैं, बहुत ख़तरनाक गेस्ट से मिलाता हूँ आप लोगों को। और ये है, ओ वाह, ये है टाइगर, ओ ये बहुत डेंजरस है ये टाइगर, ये यहाँ पे इन लोगों ने लगाया हुआ है। ओह हम लोग थोड़ा और अच्छा व्यू देख सकते हैं, देखो अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो इसके बारे में अगर पढ़ना है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, कार्निवोर, 20 साल, वाओ सुपर। उधर लाइन ये रहा यहाँ पे वहाँ से देख सकते हैं, ये अच्छा एक व्यू है, लाइन और लाइनस दोनों तो देख सकते हैं। आई थिंक वो लोग भी रेस्ट में है, सो रहे हैं अभी, देख भी नहीं रहे। किंग ऑफ जंगल, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अफ्रीकन लाइन है वाइट, और इसके बारे में इसका कुछ फीचर्स दिए हुए हैं इनके बारे में। हाँ ये है वाइट टाइगर, राइट टाइगर है ये,
वाइट टाइगर है, इतना लंबा है ना। हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं यू नो इतना मैं पता नहीं चलता, बट हम सामने से जब देखते हैं बहुत ही रहते हैं। तो एक वो वहाँ जा रहा है, देखते हैं नेक्स्ट हमारे बिजनेस में कौन है, वो देख रहे हैं मेरे को। हाँ ओ वाओ, ये कौन है? ये टाइगर है, उसी टाइप का टाइगर है। भूख लग रही है, टाइगर गोल्डन कार्निवोर है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, बंगाल टाइगर का एक स्पीशीज है, हमारे इंडिया से जो आता है। हाँ एक वहाँ बैठा हुआ है, एक वो कोने में यहाँ पे है, वो वाइट कलर का है। वाह इतना गुस्सा क्यों हो रहा है अभी? वो बेचारा इनोसेंट जैसा बैठा हुआ। ओके तो हमारे गेस्ट लिस्ट में नेक्स्ट वन है यहाँ पे लायन। लायन इसका दिख रही जानवर को, अफ्रीकन लायन। उसके ऊपर बैठा, ओह That's huge यार, है? अगर आप जनरली देखेंगे टाइगर और अफ्रीकन लाइन्स को अगर आप कंपैरिजन करेंगे साइज वाइज, आई थिंक उनका जो साइज है ज़्यादा ही साइज में बड़े हैं, राइट? ओके अगर आप फोकस में देखेंगे देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीकन लाइन है। साइज़ वाइज बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मस्कुलर होते हैं, अगर इवन साइज भी देखेंगे काफ़ी बड़े हैं। आराम से सो रहा है टाइगर। सज्जास अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखो ग्लास को कैसे लगाया हुआ है, ये जस्ट ग्लू से इन्होंने स्टिक किया हुआ है, मगर ये ग्लास भी स्ट्रांग होगा ना, उस हिसाब से स्ट्रांग ग्लास होगा। देखो उठ रहा है, उठ रहा है, उठ गया, चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सो रहा है उसको, यहाँ पे तो कोई है नहीं। ये है देखो टाइगर, यहाँ पे लिखा हुआ है so, आज स्पेशल गेस्ट है ये है बुल, जो आप लोगों ने देखा होगा। ये है जंगल के, जिसे हम कहते हैं जकाल, फॉक्स, वॉल्फ, ये सारे एक ही फैमिली रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी अभी सो ही रहा है, ये पूरा एक डॉग फैमिली का है साथ। यहाँ पे कुछ रेस्ट करने के लिए, टहलने के लिए एक जगह दे रखा है, आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये एक और वॉल्फ है यहाँ पे, आई थिंक सो रहा है। सो रहा है ये वॉल्फ। तो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है टाइगर, वाइट लाइन है, बट आप इसको साइज देखेंगे, अफ्रीकन लाइन और वाइट लाइन का जो साइज है
इट्स टू डिफरेंट है. इसका साइज बहुत छोटा है, जनरली अफ्रीकन लाइन का जो साइज है बहुत बड़ा है. आई डोंट नो व्हाई कैसा है ये, बट इनका साइज अभी छोटा है. ये और हाइना और जो लायंस और जो जंगल के जितने भी चीटा लायन है, ये दोनों आपस में काफ़ी इनका राइवलरीज है. दोनों का राइवल है, हमेशा जंगल में रहते हैं. तो हाइना के एक्चुअली ग्रुप में आके वो लड़ता है लोगों से, यू नो. तो वो प्रे करता है ग्रुप में आके, बट लायन टाइगर वो अकेले में प्रे करते हैं. हमारे पास आ गए फ्लेमिंगो. कुछ फ्लेमिंगोस दिख रहे हैं, कुछ डक्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं. ये लोग रेस्ट कर रहे थे और हम लोगों ने इनको आके डिस्टर्ब किया. एक्चुअली ये सो रहे हैं, एक्चुअली ये आराम से रेस्ट कर रहे थे. फ्लेमिंगो, ये रहे फ्लेमिंगो. ये फ्लेमिंगो है. आई थिंक ये सारे सो रहे हैं. इसके अगर आँख देखेंगे, वो एक जागा हुआ है. आई थिंक दिस वन आर स्लीपिंग. वाओ, ओह, एक निकल रहा है. उसमें भी है, देखो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. दो है यार. ओ, उसने मुंह भी खोल दिया अपना. पानी है नहीं यार, इतना ड्राई क्यों है ये, है ना? बहुत ड्राई है. एक्सक्यूज सर, आपको क्या कहना है? बहुत ड्राई एरिया है ऐसे. नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं है ना इसमें. फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, कॉकटेल है, लव बर्ड है और कुछ पैरट फैमिली के कुछ बर्ड्स है. और ये सारे स्मार्ट बर्ड्स हैं. अगर आप देख सकते हैं, वो बैठा लव बर्ड और वहाँ दोनों देख सकते हैं, दोनों लव बर्ड साथ में बैठे हुए. और ये उनका नेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे. लोग रात को या फिर अपना आराम से अंडे वंडे डालते तो उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं. तो इनके लिए एक अच्छा एक अरेंजमेंट किया हुआ है, अच्छा स्पेस बनाया हुआ है इनके लिए. ये आप फुल व्यू देख सकते हैं. कॉकटेल है. कॉकटेल एक्चुअली डिफरेंट कलर्स के आते हैं. ये एक ग्रे कलर है और एक वो कलर, वो जो आप येलो कलर देखते हैं, एक वो कलर है. बहुत स्मार्ट बर्ड्स है, लोग पैरट फैमिली में आते हैं. आप देख सकते हैं ईगल और वल्चर है, दोनों को साथ में रखा है केज में. अगर आप देखेंगे वो वहाँ पे ईगल, दो ईगल है, तीन ईगल है और एक वल्चर है. जो वल्चर है वो सेंटर में रखा हुआ है और अब ईगल देख सकते हैं, एक दो उधर और एक इधर खड़ा हुआ है. तो उन्होंने एक ही केज में तीन चारों को रखा हुआ है.
हाय। एक अलग टाइप का एक मंकी का स्पीशीज़ है, इसको आप वाइल्ड लाइफ अफ्रीका में बहुत देख सकते हैं और भी कई जगहों में पाया जाता है। तो इसका एक्चुअली 10-15 ईयर्स तक ये लोग रह सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये एरिया को हम लोग एंड कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग दूसरी जगह की तरफ को जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे अगर रेटिंग दिया जाए तो मैं इसको 5 out of 4 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि उतना अच्छा जगह भी है। अगर फैमिली के साथ आते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप चिंपैंजी से मिलना मत भूलिएगा, उनसे प्लीज़ मिलना। और आज के लिए सिर्फ इतना, और टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।